अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़। गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ हनीफ शेख। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एक नॉलेज एजुकेशन ट्रस्ट जो यहाँ पर क्लासेस है। हम यहाँ पर आए हैं कुछ बच्चों से हमने बात की, तो उन बच्चों ने बताया कि हम नॉलेज एजुकेशन ट्रस्ट के लिए वहाँ पर पढ़ते हैं हम, और इसलिए आज हमने सोचा कि चलो आज हम उनसे वहाँ का जो जायज़ा लेते हैं और उन किस तरह से यहाँ पर एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि यहाँ की फ़ीस क्या है और यहाँ के सर की क्वालिफ़िकेशन कितनी है, और ये भी देखेंगे हम और यहाँ का सिस्टम क्या है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के सर। आपके क्लासेस का नाम क्या है, उसके बाद में आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, फिर आप किस तरीके से एजुकेशन देते हैं मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा, तो आप मुझे तफसील से बताएंगे, क्योंकि मुमरा में कई चीज़ें, कई ऐसे क्लासेस हैं जहाँ पर कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको, और उसके माँ बाप भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कुछ पेरेंट्स बहुत परेशान हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो आप लोग के इस क्लासेस के अंदर आपने क्या क्या बेनिफिट दिया है कि हम लोगों तक के ये बात पहुँचा सकें? दरअसल आपने शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इस काबिल समझा है मुझे कि आप लोग के बीच में मैं खड़ा हूँ और बता सकता हूँ। पहली बात, इस क्लासेस का नाम है नॉलेज ट्यूटोरियल। ये एक ट्रस्ट मैनेज करता है, नॉलेज एजुकेशनल ट्रस्ट। जहाँ तक कि आपकी बात रही कि ये कैसे संभालते हैं हम बच्चों को, ये हमने ख़ास तौर पे ही गरीब बच्चों के लिए ही कॉन्सेप्ट लाया है कि वो कम से कम फीस में बेहतर से बेहतर एजुकेशन ले सके। इसके लिए हमने तमाम, हमारी जो टीम है वो अपना जॉब करते के अलावा इस यहाँ पे टाइम देती है, और हमारी टीम बीएससी, बीएड, एमएड ये सब है, हाईली क्वालिफाइड बैचलर्स डिग्री ली हुई टीम है। इवन सो अगर आप मेरे बारे में पूछ रहे हो, सो मैंने मेरा ग्रेजुएशन बीएससी जूलॉजी से कंप्लीट किया, एंड देन आफ्टर मैंने एमबीए कंप्लीट किया है मार्केटिंग में, और अभी मैं करंटली वर्किंग करता हूँ आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल के साथ एज एन यूनिट मैनेजर, और मैं इधर एज एन अपॉइंट टू सुपरविजन पे, मैं मेरा काम है सीनियर सुपरविजन पे हूँ मैं, मेरा काम है कि बच्चों को देख रेख में रख के हम उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, कैसे हम उसको बेहतर तालीम दे सकते हैं। हमारे लिए फ़ीस कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे लिए उनकी एजुकेशन कॉन्सेप्ट है कि हमको उनका एजुकेशन बेहतर करना है, उनको गाइडेंस देना है, उनको आगे पहुंचाना है। हम आने वाले दौर में और भी कॉन्सेप्ट लाएंगे जो मुमरा के हाल फिलहाल बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, आप कौन सी क्लासेस के बच्चों को जो है आप लोग यहाँ पर टीच करते हैं, और कितनी क्लासेस के बाद से आपके पास लोग बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, और कितनी तक के आप पे कर रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड तक के आप पढ़ाते हैं? हम जो है ना, पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ाते हैं। इवन आप 10th को बोलेंगे तो हमारा 10th फोकस ज़्यादा होता है कि यही वो मंजिल है जिससे हम अपना फ्यूचर डिसाइड करना चालू करते हैं, एंड देन आफ्टर 11th 12th हम उनका करियर गाइडेंस, 12th के बाद उनका जॉब प्लेसमेंट विथ एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सारी स्टैंडर्ड्स के लिए टीचर प्लस सुपरवाइज़र अलग होते हैं कि वो सुपरवाइज़र अपना काम देखे कि डे बाय डे एक्टिविटीज़ कम्प्लीट हो रही है नहीं, और टीचर टीचिंग करती है। अच्छा सर, आप क्या यहाँ सैलरी बेस पे है, या आप एक शौकिया जो है आपका ये है कि आपने आप बच्चों को एक अपनी तरफ से तालीम देना चाहते हैं, इस तरीके से किस तरीके से आपका यहाँ पर काम रहता? हाँ देखिए सर, हम तो अपनी सैलरी जॉब से ही लेते हैं जहाँ हम काम करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई में मैं काम करता हूँ तो मेरी वहाँ से सैलरी है, और यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। इवन हम अपनी सैलरी से यहाँ पे देते हैं लोगों को, फीस अफोर्ड कराते हैं उनको, बिकॉज क्योंकि यहाँ के खर्चे भी है, यासीन मोमिन जी है जो ये चलाते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि मुमरा का आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो। अगर 30 बच्चे भी मुमरा में अगर अलग है कुछ पढ़ना चाहते तो हम वो 30 बच्चों तक पहुँचना चाहते हैं कि हम वो 30 बच्चों को पढ़ाएं और उनका फ्यूचर हद से ज़्यादा ब्राइट कर सके, आने वाले मुस्तकबिल है वो मुमरा के। अच्छा, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं वही बच्चों को आप यहाँ पर ये करते हैं? नहीं सर, हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम अच्छे मार्क्स के ऊपर से नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें, हम सिर्फ़ और सिर्फ उनका देखते हैं तरीका सलीका और उनके पढ़ने का हौसला। अगर वो पढ़ना चाहते हैं, हौसला है, तो हम उसके हौसला अफजाई की कदर करेंगे। मार्क्स सर हम खुद जनरेट कराते हैं उनसे, बिकॉज मार्क्स से आपका करियर तो नहीं डिसाइड होगा, बट मार्क्स से ये है कि सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट होती है। सो हमारा फोकस है कि
और अच्छा अगर डिसिप्लिनड है सो टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर है तो ऑटोमेटिकली वो गियर अप करेगा और आगे बढ़ेगा। और सर अभी जितने बच्चे आपके यहाँ से जो बच्चे गए थे कितने मार्क्स लिए हैं हमारा अपने क्लासेस से जो यहाँ पर जो बच्चे पास हुए हैं हाईएस्ट में कौन कौन बच्चे थे क्या क्या नाम थे उनके? हमारे जो 12th स्टैंडर्ड का है प्रीवियस ईयर का दैट इज़ एकेडमिक ईयर 2018 एंड 19 का अनम करके एक लड़की थी 12th स्टैंडर्ड की तो उसका स्कोर 83% था कॉमर्स का एंड शी वॉज स्टडिंग इन मुलुंड कॉलेज और 10th का अगर आप परसेंटेज बोलते हो तो दैट इज़ ऑल्सो अबव 70+ दैट इज़ डोंट नो एग्जैक्टली बट मुझे इतना मालूम है कि वो डिस्टिंक्शन के अबव थे बिकॉज हमारा गाइडेंस उस तरीके से होता है हम उनको इतना टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं कि वो ट्रेंड हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी जो है कुछ अभी आप लोग जो है अभी जो बच्चे वेट कर रहे हैं पढ़ाई के बारे में और जो पेरेंट्स हैं जो घर में बैठे हुए हैं सोचते हुए कि हमारे बच्चों को हम कौन से क्लासेस में डालें और कम से कम उनकी पढ़ाई में जो खर्चा आए तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने फर्स्ट थिंग ही ये क्लियर किया सर हम फोकस नहीं करते फीस के लिए हम फोकस करते हैं ओनली और ओनली आने वाले मुस्तकबिल के लिए मुमरा के फ्यूचर के लिए उनकी एजुकेशन के लिए सो वो हमसे डायरेक्टली आके मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ कॉन्टेक्ट नंबर के अलावा भी हमारी सारी चीज़ें मेंशन है आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। नॉलेज एजुकेशनल ट्रस्ट आप ये नेम से कहीं पे भी हमें सर्च कर सकते हैं हम हर जगह अवेलेबल है आप कॉन्टेक्ट कभी भी कर सकते हैं वी आर देयर फॉर यू। हम मैं एक ही गुजारिश करूँगा पेरेंट्स से कि भाई कहीं पर भी एडमिशन लेने से पहले एक बार आप इधर आइए यहाँ से समझ लीजिए देन फिर आपको जो डिसाइड करना वो कर सकते ऐसा नहीं कि कम फीस है या फीस नहीं है सो एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है ऐसा कुछ भी नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ निकाला इसलिए गया है कि गरीब से गरीब बच्चा भी हो वो अपनी क्लासेस या ये सब मिस करने की वजह से एजुकेशन ना पूरा कर सके। क्या यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ऐसा धर्म का ये है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर हिंदू मुस्लिम सब एक है एज एन इंडियन वी आर गिविंग अवर सर्विसेज टू स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स हम डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं हिंदू हो मुस्लिम हो हमारा ऐसा कुछ नहीं एजुकेशन की कोई जात धर्म नहीं होती हम सभी को ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइड न्यूज़ के माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं गाइड न्यूज़ के माध्यम से एक ही सर बोलना चाहता हूँ कि आने वाले जो 10th 11th 12th जो भी आप एडमिशन लेने चाहते हैं तो एक बार आप प्लीज़ इधर आइए यहाँ पे समझिए एजुकेशन क्या होता है क्या नहीं और देन आप सोल पर्सन है आप डिसाइड कर सकते हो क्या है क्या नहीं बट मेरी एक गुजारिश है पेरेंट्स से कि आप आइए समझिए और आपका जो हार्ड मनी है आपने जो अर्न किया है उससे भी आप बचा सकते हैं हम पैसे पे नहीं फोकस करते वी आर ओनली फोकसिंग ऑन एजुकेशन सो आप उस चीज़ के लिए भी रिलेटेड हमसे करियर गाइडेंस है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पढ़ाई कब से स्टार्ट करने वाले आप 11th और 12th की? 10th एंड 12th अप्रैल से चालू होगा 2020 से उसका बैच स्टार्टिंग जनवरी से ही करेंगे हम नेम के लिए चालू करेंगे हम कि लोग नेम दे उसमें सारे पेरेंट्स आ सकते हैं समझ सकते हैं इंडक्शंस ले सकते हैं कि हम क्या कराना चाहते हैं कैसे पढ़ाना चाहते हैं 11th और 12th का अप्रैल से चालू होगा बट एडमिशन स्टार्टेड हो गए सब जनवरी से एंड देन 11th का नॉर्मली जब स्कूल ओपन होते हैं उनके कॉलेजेस ओपन होते हैं माइट बी अगस्त तक होते ओपन सो उस टाइम वो आके हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई टीचिंग या ऐसे के लिए करना चाहता है जो सच में मोटिवेटेड है मुमरा के एजुकेशन के लिए वो भी हमसे मिल सकते हैं कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है सर सर्विसेज सबके लिए हेल्प सबके लिए हमारी। सर आखिरी सवाल है आपसे सर तो आप अभी हमारे जो बच्चे एजुकेशन में जो है बच्चे जो कच्चे बच्चे जिनको पढ़ाई में थोड़ा सा यानी वो स्कूल भी नहीं जाते हैं ओके क्या ऐसे बच्चों के बारे में आप ये आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं तो पहले उनका या हमारी टीम पूरी उनका बेसिक्स डेवलपमेंट पे ध्यान देती है कि भाई उनका बेसिक्स आना चाहिए उन्हें पूरा जैसे क ख ग घ हो टेबल्स हो या ए बी सी डी या सारी चीज़ें हो इसको डेवलप कराते हैं हम बिकॉज बेस मजबूत होगा तो फ्लोर्स ईजिली बिल्डअप होंगे दैट फ्लोर्स इक्वल्स टू योर स्टैंडर्ड्स सो आगे बेसिक्स क्लियर कराने के बाद हमारा काम होता है कि उनके भाई मोटिवेशन पे ध्यान दिया जाए टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने आप को सुधार सके आने वाले कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार हो सके। सर अभी जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास किस तरीके से कैसे आके वो मिल सकते हैं और क्या ये रहेगा?
हाँ देखिए सर, हमने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और हमें कहाँ फॉलो करना है, हमने ये सब भी दिया है। बट इसके अलावा भी अगर पेरेंट्स डायरेक्टली मिलना चाहते हैं, हमारे व्यूज समझना चाहते हैं, क्लासेस देखना चाहते हैं या ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो वो विज़िट कर सकते हैं। कॉल करिए, हम अवेलेबल है, हम हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल है, बच्चों की, पेरेंट्स की, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने में सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। आप डायरेक्टली उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नाम सरफराज खान है, आप डायरेक्टली मुझे भी फ़ोन कर सकते हो। इवन मैं अगर रहा तो मैं आपको, अगर टाइम नहीं रहेगा पेरेंट्स को, तो मैं डायरेक्टली फ़ोन पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करूँगा। मुझे कोई इस बात से एतराज़ नहीं है। विजिट कर सकते हो आप, देख सकते हो किस तरीके से, और आने वाले बैचेस की सारी इंक्वायरी कर सकते हो आप।